ये रूस की राजधानी मॉस्को है और पीछे जो इमारत है उसमें रूस के विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। ये जो शहर है यहाँ पे आम जनजीवन जो है वो सामान्य तौर पर चल रहा है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि रूस के साथ यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी भी जारी है और यहाँ हालांकि ये बहुत दूरी वाला इलाका है यूक्रेन के सीमा क्षेत्र से, लेकिन कई बार मॉस्को तक भी यूक्रेन के जो ड्रोन हैं वो उड़कर आते हैं यहाँ पर हमले के लिए। हालांकि अधिकांश ड्रोन को जो है हवा में नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन को छोड़ा जाता है और वो नीचे उड़ान भरते हैं और इसलिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का उससे वो बचकर मॉस्को तक पहुंच जाते हैं और खुद क्रेमलिन तक पे हमला जो है वो हो चुका है जैसा कि रूस की तरफ से कहा गया और सीधे तौर पे उसके लिए क्यू को जिम्मेदार बताया गया। तो युद्ध चल रहा है लेकिन ये जो शहर है यहाँ पर अपेक्षाकृत शांति नज़र आती है, लोगों में किसी तरह का जो भय है वो नज़र नहीं आता। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं यूक्रेन की राजधानी क्यू में था आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जब मैं वहाँ जंग की कवरेज के लिए पहुंचा था तो क्यू शहर में रह रहकर एयर सायरन सुनाई पड़ता था और उसके बाद जो है सुरक्षित ठिकाने पर जाना पड़ता था। हालांकि एक बार फिर से बताऊं कि क्योंकि रूस की तरफ से जो है वो स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर हमला किया गया और यूक्रेन के कई इलाकों को रूस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और रूस जो है यूक्रेन के मुताबिक एक आक्रांतक जो एक देश है और वहाँ उसने इन्वेड किया है। तो जो जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से होती है उसकी जद में रूस के कई इलाके आते हैं। बेलगोरोद जो कि बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है वो आता है, कुर्स जो कि उसके बाद आने वाला रीजन है वहाँ पर जो यूक्रेन के हमले हैं वो हो रहे हैं। अभी भी वहाँ पे कई तेल रिफाइनरी पे हमला हुआ है और बहुत जो तेल है वो नष्ट हुआ है। हालांकि रिफाइनरी को फिर से चालू किया गया है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 10% जो उस इलाके का तेल है रूस का उसको नष्ट किया गया है यूक्रेन के हमलों में। और इसी वजह से जो राष्ट्रपति पुतिन है रूस के, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो रूस में जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें खलल डालने की कोशिश जो है वो यूक्रेन की तरफ से की गई। लेकिन एक जो मोटी बात दोनों शहरों के बीच, दोनों ही देशों के राजधानियों के बीच नज़र आती है वो ये कि यहाँ पर युद्ध का जो खतरा या जो उसका साया है वो नज़र नहीं आता। आम लोग जो हैं वो बेरोक टोक अपनी सामान्य जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं, आ जा रहे हैं और किसी तरह का एयर सायरन जो है यहाँ पे सुनाई नहीं पड़ता। एक बार फिर मैं आपको बताऊँ क्योंकि ये बहुत दूर का इलाका है, हज़ारों किलोमीटर दूर है यूक्रेन सीमा से और तकरीबन 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है यूक्रेन सीमा से और इसलिए यहाँ खतरा उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं, क्षेत्र हैं रूस के, वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से जो हमले का जो खतरा है वो ज़्यादा है। तो ये एक आपको दिखाऊं कि ये एक नज़ारा है यहाँ खिली हुई धूप इस वक्त, हालांकि रह रहकर मौसम यहाँ पे बदलता है और ठंड जो है बहुत तेज़ हो जाती है कभी। कई बार जब धूप ऐसी खिलती है तो उसके बाद जो कपड़े पहने उसमें भी गर्मी लगने लगती है। तो काफ़ी यहाँ पे अभी का जो मौसम है वो खुशनुमा है लेकिन शाम ढलते ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो मौसम है वो ठंड हो जाता है। अभी देखिए यहाँ जो भी बर्फबारी हुई है, सड़क के किनारे जो बर्फ़ का जो ढेर है वो अभी भी तकरीबन 2 से 2.5 फीट का कहीं कहीं पे जमा है। तो ये तो यहाँ पे मौसम की बात है लेकिन जो एक युद्ध के जो हालात है इसमें तनाव दोनों देशों के बीच बना हुआ है और ख़ासतौर पर रूस जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है कि नेटो जो है वो अपनी तरफ से जो एक डिप्लॉयमेंट किया है, खासतौर पे फिनलैंड जो कि अभी नेटो का सदस्य बना है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ है, लातविया जैसे देश में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, एस्टोनिया में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। तो इन देशों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाने को लेकर जो एक आशंका है रूस के मन में वो बढ़ी है और इसी मद्देनज़र जो रूस की तरफ से ये कहा गया है कि ये सब जो है वो एक तरह से रूस को डराने की कोशिश है। और जिस तरह का बयान जर्मनी के चांसलर की तरफ से आया और जिस तरीके की बात जो है पोलैंड की तरफ से आई कि यूक्रेन में जो अपने सैनिक हैं वो नेटो देश जो है वो भेज सकते हैं, हालांकि नेटो के कई सदस्य देशों ने उस बयान को खारिज कर दिया, लेकिन उस बयान ने एक और ट्रिगर का काम किया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में साफ तौर पर ये कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि अमेरिका या पश्चिमी देश ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी
तो फिर जो रूस है वो परमाणु हमले के लिए तैयार है और सैन्य तौर पर और तकनीकी तौर पर वो तैयार है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में ये बात भी जोड़ा कि वो नहीं समझते कि यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत रूस को है, और ये भी कि ऐसी कोई स्थिति बहुत तेज़ी से दिखती नज़र नहीं आ रही जिसमें कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात हो। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जो है उसमें भी ये कहा गया है कि ऐसी कोई गतिविधि जो है वो रूस की तरफ से नहीं देखी गई है जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात जो है वो सामने आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि आत्मरक्षा को लेकर रूस जिस तरह से सचेत है और जिस तरीके से वो नेटो की गतिविधियों को उसके डिप्लॉयमेंट को ले रहा है, तो ऐसे में जो ट्रिगर है जो एस्केलेशन है टेंशन का वो कई बार काफ़ी बढ़ जाता है, और ऐसे में अंदेशा इस बात का बढ़ने लगता है कि कहीं ये युद्ध जो है वो परमाणु युद्ध का रूप ना ले ले। तो ये एक बार फिर से मैं शहर का थोड़ा नज़ारा भी इस बातचीत के दौरान आपको दिखाऊं, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जो एक अनुभव है वो मिलता है कि जब हम यूक्रेन में थे तो वहाँ किस तरह से हम लोगों का अंदेशा था, और यहाँ रूस के की राजधानी में वहाँ वैसा अंदेशा नहीं है। लेकिन जब हजारों की तादाद में जो ड्रोन छोड़े जाते हैं तो उसकी पहुँच मॉस्को तक भी हो जाती है, इस बात पे सवाल भी उठता है कि आखिरकार जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है आखिरकार इतना लचर कैसे है। और इस पर जब विशेषज्ञों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि ड्रोन जो है वो कम ऊंचाई पे उड़ने वाला जो हथियार है या कम ऊंचाई पे उड़ने वाला जो एक व्हीकल है, एयर व्हीकल है वो है, इस वजह से वो कई बार रडार की पकड़ में नहीं आता, और जब पकड़ में आता है तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम से उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि दो देश दो साल से ज़्यादा से युद्धरत हैं, एक तरफ पश्चिम और अमेरिकी देशों का साथ है, दूसरी तरफ रूस पे जितने तरह की पाबंदियां लगी हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं उससे रूस में जो एक आर्थिक हालत है उसकी कमजोरी की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जानकारों से हमने बात की उनका कहना है कि रूस को किसी तरह की आर्थिक तकलीफ नहीं है। हालांकि इन्फ्लेशन यहाँ पे 7.5% तक बढ़ गया है, लेकिन एक जानकार ने ये बताया कि इस हिसाब से लोगों की जो आमदनी है वो भी बढ़ी है, और लोगों को जो महंगाई है वो उस तरह से महसूस नहीं हो रही, और जो खासतौर पे राष्ट्रवादी लोग हैं वो किसी भी तरीके से रूस को जीतते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो उस तकलीफ उठाकर भी जो अपना जीवन है वो सामान्य तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा भी यहाँ पे तबका है जो युद्ध का विरोधी है और वो चाहता है कि युद्ध खत्म हो, और ऐसे जो प्रदर्शन भी यहाँ पे हुए हैं जिसमें युद्ध के विरुद्ध जो है बातें की गई हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का साफ तौर पे ये मानना है, उनका प्रण है कि जब तक रूस अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा और जो यूक्रेन है वो उन बातों पर वापस नहीं जाएगा, जैसे कि नेटो की सदस्यता नहीं ग्रहण करने की बात है, तो ऐसी बातें जब तक साफ तौर पे नहीं होंगी तब तक रूस की तरफ से युद्ध नहीं रुकेगा। बातचीत की बात से कभी भी राष्ट्रपति पुतिन ने इनकार नहीं किया, लेकिन उनका सीधे तौर पे कहना है कि बातचीत जो है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, किसी की मनमर्जी से नहीं होनी चाहिए, वेस्ट की मनमर्जी से नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सच्चाई है, जो ज़मीनी हकीकत है उसके आधार पर बातचीत होनी चाहिए। तो जो भी अब तक की शांति कोशिश है उसमें कोई भी जो एक नतीजा है वो निकल कर सामने नहीं आया है, और युद्ध चल रहा है, और युद्ध के बीच जो है दोनों देशों में जो जनजीवन है अपने अपने हिसाब से चल रहा है। यूक्रेन में जहां युद्ध का साया हर वक्त जो है वो नज़र आता रहा है, वहीं यहां रूस में, रूस की राजधानी मॉस्को में जीवन जो है वो सामान्य तौर पर, और गाड़ियाँ जो है सड़कों के फर्राटे से चलती नज़र आती है, जो कि कुछ अलग है कीव से जो कि यूक्रेन की राजधानी है। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, NDTV न्यूज़।